सो फ्रेंड देख सकते हैं मैक्स 2 है और इस फ़ोन में जो है नीचे का रिसेंट बटन होम बटन वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक जो है रिसेंट होम बटन लगा के रखा है। यदि आपके किसी भी फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ये मत समझिए कि हमारा टच या डिस्प्ले खराब हो गया है, तो आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, बस आपको अपने जो प्ले स्टोर में चले आना है। यदि इस तरह का आपका पूरा डिस्प्ले वर्क कर रहा है लेकिन आपका जो है रिसेंट होम बटन नहीं काम कर रहा है, तो एक ऐप है नोटिफिकेशन बार, आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक छोटा डेमो दिखा देता हूँ कैसे इसे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो इसमें ऐड आएगा, ऐड को आप लोग को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ऐड क्लोज करेंगे और इसके बाद इसका एडजस्टमेंट कर लेना है। तो इसका सेटिंग अभी अलाउ करना होगा, तो मैं इसका एक बार क्लियर डाटा करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसे जो है ऑन ऑफ करना है और इसे यूज़ करना है। इस तरह का यदि आपके फ़ोन में किसी भी फ़ोन में प्रॉब्लम आता है, नीचे का बैक बटन होम बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐप है और इसका मैं आपको क्लियर डाटा करके फिर से इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका अभी जो है स्टोरेज क्लियर करके इसे फिर से सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कस्टमर का जो किया था तो इसे बहुत लोग जो है करना जानते हैं और बहुत लोग यूज़ करते भी हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग को दिया जाए, मेरे चैनल पे नहीं था तो मैंने सोचा कि आप लोग अधिक खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये सेटिंग बोल रहा है अलाउ करने के लिए। तो आप भी जैसे इंस्टॉल करेंगे इस तरह से आप लोग को एसेसिबिलिटी मेन्यू में सेटिंग को अलाउ करना होगा नोटिफिकेशन जो है इसका, और यहाँ से जैसे इसको अलाउ कर देंगे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा और रिसेंट बटन आपका वर्क करने लगेगा। तो इसका साइज अभी आपको एडजस्ट करना है तो कर लीजिए, यहाँ पे ऐप में फिर से आपको चले आना है। तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, फिर से इस ऐप में चले आता हूँ और यहाँ पे इसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं, अपने पोजीशन को लॉक कर सकते हैं, एक पोजीशन पे इसे लॉक करके होल्ड कर दीजिए और इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसे जो है लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जो है आपका रिसेंट बैक बटन किस तरफ रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजिली इस ऐप का यूज़ करिए और अपने जो है फ़ोन का जो भी प्रॉब्लम है इससे जो है फिक्स कर सकते हैं। रिसेंट वाला जो प्रॉब्लम आया है बैक बटन होम बटन का नहीं वर्क कर रहा है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पर मिलते हैं मोबाइल अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो यहाँ पे इसे देखिए मैं फिक्स कर दे रहा हूँ और इसके बाद इसका पोजीशन भी लॉक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ाता हूँ और इसके यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब मेरा टेलीकॉम शॉप 2 है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन। तो ये सब शॉप पे काम होते रहते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि ताकि आप लोग को जो लोग मेरे पास नहीं पहुँच पाते तो उनको कुछ हेल्प हो जाए और इस तरह से उनका पैसा भी बच जाए और इस तरह से अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लें। तो ये देख सकते हैं हमारा कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और हमारा काम हो चुका है, कोई डिस्प्ले बदलवाना नहीं पड़ा। यदि आपका इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।